श्री कृष्ण मुझे क्षमा करें। श्री कृष्ण मुझे ज्ञात है कि मेरे कृत्य से आप बहुत आहत हुए। जो हो गया उसे मैं बदल तो नहीं सकता, परंतु फिर भी आपकी क्षमा का अभिलाषी हूं। मेरे इस उपहार को स्वीकार करके मुझे धन्य कर दीजिए। मैंने कहा था मैं उचित समय आने पर इसे स्वीकार करूंगा। उचित समय अभी नहीं आया। स्त्री को लेकर चले जाओ, अभी यही सबके हित में है। मेरी भूल का इतना बड़ा दंड मुझे मत दीजिए। मेरा ही उपहार स्वीकार कर लीजिए, मेरी विनती है। चाहिए कुछ भी कहे, इसे इस कारागार से कोई भी मुक्त नहीं करेगा। कल जब तक मैं स्वयं इसे यहां से लेकर ना जाऊं, तब तक आप सब केवल इस पर दृष्टि बनाए रखेंगे। मुझे आशा है कि इस दंड के पश्चात तुम अपनी भूल का प्रायश्चित करोगे और ऐसी भूल भविष्य में दोबारा फिर कभी नहीं दोहराओगे। कारागार में बंद हूं इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं अपने मित्रों से मिल भी नहीं सकता। आने दो ने, मुझे उनसे बात करनी है। उस चरा ने बहुत अपमानित किया है मुझे। इस कृत्य का मोल तो चुकाना होगा उसे। परंतु कैसे सांब, तुम्हारे दंड का तो कल अंत होगा और तब तक वो आखेटक द्वारका से जा चुका होगा। मैं यहाँ बंद हूं, किंतु तुम लोग तो स्वतंत्र हो ना। जाओ, जाकर उस आखेटक का पीछा करो, और जब तक मेरा दंड समाप्त नहीं हो जाता तब तक मुझे उसकी हर एक गतिविधि की सूचना दो। और फिर कल यहां से स्वतंत्र होते ही मैं उस जरा का अंत कर दूंगा। ठीक है भगवान, मैं अपना ही उपहार लेकर द्वारका से प्रस्थान कर लेता, परंतु मेरी एक विनती है। केवल इतना सुनिश्चित कर दीजिए कि मुझे आपसे पुनः भेंट करने का एक और अवसर प्राप्त हो। ये निर्णय नियति के हाथ में है जरा। यदि नियति में हमारा मिलना लिखा होगा तो कोई चाह कर भी उस क्षण को रोक नहीं पाएगा। द्वारका में जो कुछ भी घटित हो रहा है वो हृदय दहलाने वाला दृश्य है महादेव। एक तरह से अच्छा हुआ कि ये सब देखने से पूर्व ही राधा ने पृथ्वीलोक छोड़ दिया, अन्यथा उसे अत्यंत दुख होता। अब मैं स्वयं गोलोक में राधा के आगमन के लिए सारे प्रबंध करूंगी। अंततः राधा ने पृथ्वीलोक पर 100 वर्ष पूर्ण किए। एक क्षण, कदाचित तुम्हें कोई भी सज्जा करने की आवश्यकता नहीं है। मेरा कहने का अर्थ ये था कि तुम क्यों कष्ट उठाती हो, हम अपने गणों से कह देंगे। महादेव, इसमें कष्ट की क्या बात है? राधा 100 वर्षों के पश्चात गोलोक में आ रही है। राधा के पुनः गोलोक आगमन के लिए सभी देवी देवताओं ने 100 वर्ष प्रतीक्षा की है, इसलिए सज्जा तो करना ही है और उनके आगमन के लिए एक भव्य उत्सव तो होना ही चाहिए। उचित है कौरी, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो यही सही। जाओ।
नियति ने ऐसा क्या किया, मिली प्रेम में ऐसी विरा, चाहा था क्या पाया। तुम तो अभी यहाँ नहीं हो रहे, कुछ ही मेरा, किंतु तुम्हारी स्मृतियाँ, तुम्हारा आभास अब भी यही है। खाना, तुमने ऐसा क्यों किया? शाम को कारावास का ही दंड क्यों सुनाया? तुम उसे कोई भी दंड दे सकते थे, किंतु इसके पीछे दो कारण है दाऊ। पहला कारण तो ये कि शाम ने जरा का तीर छुराया है और वो अनुचित है। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण कारण ये है कि जब तक जरा पूर्ण रूप से प्रस्थान नहीं कर जाता, शाम को स्वतंत्र छोड़ देना उचित नहीं है। क्या उचित है क्या अनुचित है, मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कान्हा। समस्त द्वारका में वाद विवाद तो अब भी छिड़ा ही हुआ है, कहीं कोई कुछ सुनने को तैयार नहीं। ऊपर से समस्त नगर वासियों के क्रोध पर मद ने अग्नि का कार्य और कर दिया। सब अपना विवेक खो चुके हैं कान्हा। तुम्हारी इतनी विनती के पश्चात भी समस्त द्वारका वासियों का ऐसा व्यवहार, ये आज से पूर्व तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कान्हा, कि द्वारकाधीश की किसी भी बात की अवहेलना की गई हो। यही तो नियति का खेल है। अब तक जो कभी नहीं हुआ, अब वही सब होगा। धीरे धीरे सभी एक दूसरे का सम्मान करना तक भूल जाएंगे। तो चाहे वो द्वारकावासी हो या परिवार का सदस्य ही क्यों ना हो, मैंने जरा और शाम के साथ जो कुछ भी किया वो उचित कर्म था, किंतु मेरे समाधान निकालने से कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। द्वारका की नियति में जो अहित लिखा है वो होकर रहेगा, उसे हम नहीं रोक सकते। अब तो बहुत कुछ है जो देखना शेष है। तुम्हारी बांसुरी कहाँ है कान्हा? संसार में अब मेरे लिए कोई संगीत, कोई स्वर, कोई रंग शेष नहीं है। इस बांसुरी को अपने पास रख के भला मैं क्या करता था? अब मेरा जो कुछ भी है सब गोलोक में है दाऊ। सब तो होना ही था दाऊ। इस बात का दुख है मुझे कि राधा अब पृथ्वी लोक पर नहीं है, किंतु इस बात का सुख भी है कि अब राधा गोलोक में अपनी प्रेम की धारा बहाएगी। कृष्ण भक्त श्री धामा तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम 100 वर्षों तक श्री कृष्ण को भूली रहोगी और गोलोक से दूर मृत्यु लोक में रहोगी। तुम्हारा स्वागत है।